लास्ट टाइम हमने देखा था कि कीपैड कॉम्बिनेशन को कैसे रिटर्न कराते हैं, एक मोबाइल के कीपैड कॉम्बिनेशन को। ये उसी प्रॉब्लम का एक सब प्रॉब्लम कह सकते हैं। वहाँ पे हमने रिटर्न कराया था और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे बेसिकली जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा, जो भी हमारा कॉम्बिनेशन होगा, राइट। सो हाय गाइज, माय नेम इज संदीप। वेलकम टू इंटरव्यू फंडे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड। ओके, सो चलिए समझ लेते हैं कि प्रिंट कीपैड वाली प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली प्रॉब्लम नहीं देख रखी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गो टू प्लेलिस्ट एंड चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे कि हमारे कीपैड मोबाइल फ़ोन में होते क्या थे कि 2 3 हर एक की के अपने अपने एक लेटर होते हैं। जैसे कि 2 के लिए हमारे पास ABC, D के लिए 3 के लिए DEF ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उन्हीं कॉम्बिनेशंस की हेल्प से ये हेल्पर मैंने बना रखे हैं। ये हेल्पर मेथड बेसिकली करता क्या है कि ये सारे 2 के लिए जो भी कॉम्बिनेशन है वो रिटर्न करता है, 3 के लिए रिटर्न करता है, बेसिकली एरे में रिटर्न करता है। और इसी हेल्पर की हेल्प से हम कॉम्बिनेशन को प्रिंट करेंगे। तो आइए इसका रिकर्सिव कॉल देख लेते हैं। मैंने एक प्राइवेट मेथड बना लिया है। प्राइवेट मेथड में बेसिकली इस वजह से बनाया है सो दैट कि हम बार बार रिकर्सिव रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट आता है ना, लाइक ADAE जो भी आता है रिजल्ट, हम उसको क्या करें, बार बार अपेंड करें और साथ के साथ रिकर्सिवली चलाते रहें। हर बार की तरह हमें जान लेते हैं कि हमारे रिकर्सिव कॉल में 3 स्टेप जो हमेशा हमें याद रखने होते हैं। हमारा बेस केस जहाँ पे हमारी रिकर्सिव कॉल ब्रेक होती है, रिकर्सिव कॉल हमारी लास्ट में हम वो दे सकते हैं या आगे पीछे कभी भी एज़ पर रिक्वायरमेंट, और हमारा कैलकुलेशन और कंपेरिजन जो भी कह सकते हैं आप वो। तो 3 पार्ट हमारे यही होते हैं। यहाँ पर हमारा बेस केस क्या कहता है कि अगर हमारा इंट एन और ज़ीरो, ज़ीरो और या वन है, लाइक हमारे कीपैड मोबाइल फ़ोन में अगर 0 और 1 है तो उसके लिए कोई अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, तो जो भी रिजल्ट है बस उसको रिटर्न करा दो आप, दैट्स इट। हेल्पर की हेल्प से क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारे पास 23 है, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से सपोज 2 3 है, 2 3 हमारे पास क्या है, 2 और 3। 2 के लिए हमारे पास क्या है, A B एंड C, और 3 के लिए हमारे पास क्या है, D E एंड F, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो अब क्या कह रहे हैं हमारे पास कि हेल्पर मेथड से हमने क्या किया, हेल्पर निकाल लिया। तो हम n को 10 से डिवाइड करके निकाल रहे हैं। इसका क्या मीनिंग है कि हमें पता है कि हमें 23 के लिए वर्क करना है। हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, आफ्टर ऑल रिजल्ट कॉम्बिनेशन फॉर 23, बट हमें क्या करना है कि रिकर्सिवली सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को छोटा बनाते रहना है। पहले हम 3 के लिए देख लेते हैं, करेक्ट। हम पहले 3 के लिए देख लेते हैं कि 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा। तो 3 के लिए हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे बाकियों के लिए भी निकाल लेंगे। हेल्पर की हेल्प से हमने क्या किया, एन को डिवाइड करके 10 से हमने लास्ट डिजिट दे दिया 3, और उसका हमने हेल्प रिजल्ट में सारे एरे मंगा लिए। हेल्पर की हेल्प से हमें 3 वाला पूरा मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, DEF, ठीक है। अब इस DEF की हेल्प से हम एक लूप चलाएंगे और इस DEF के आगे हम क्या लगाएंगे, ABC, ABC वन बाई वन हम अपेंड करेंगे। कहने का मतलब अगली कॉल हमारी जो जाएगी वो इसके लिए जाएगी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम लूप की हेल्प से क्या करेंगे, अपेंड करते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। फोर लूप हमने चलाया है हेल्प डॉट लेंथ तक। अगर हमारा DEF आया है हमारा, तो D के लिए भी, E के लिए भी और F के लिए भी। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो A के लिए DEF चला है, B के लिए DEF चला है, C के लिए DEF चला है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या है, हेल्प रिजल्ट जितनी बार है उतनी बार हमें रिकर्सिव कॉल चलानी है। यहाँ पे रिकर्सिव कॉल में हम एन भेजेंगे, बट अब वो एन हम रिड्यूस करके भेजेंगे। एन को डिवाइड करेंगे 10 से, हमारे पास सिर्फ 2 आएगा। अब अगली कॉल क्या जाएगी, रिकर्सिव कॉल 2 के लिए जाएगी, 2 के लिए जाएगी, और हेल्प रिजल्ट की पोजीशन, आई मीन आई की पोजीशन पे क्या है हमारा, डी है। तो आई की पोजीशन अगर हमारे पास डी है, तो डी के लिए, आई मीन डी की हेल्प से हम डी को अपेंड कर रहे हैं रिजल्ट के साथ। रिजल्ट हमारा क्या है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग का, उसके साथ हमने क्या कर दिया, डी को अपेंड कर दिया। अगली बार में क्या होगा, ई के साथ अपेंड करेंगे, अगली बार में फिर एफ के साथ अपेंड करेंगे। कहने का मतलब ये फोर लूप जब तक चलेगा तब तक के लिए हम अपेंड करते रहेंगे, और ये वर्क हम एक सिंगल टाइम नहीं कर रहे हैं। अगली बार हमारे लिए ये 3 के लिए चला है, तो
तो अगली बार ये टू के लिए चलेगा। तो इस तरीके से हमारे सारे कॉम्बिनेशंस ये वाले प्रिंट हो जाएंगे जो हमारे आउटपुट आने हैं। चलिए इसको चला के दिखा देता हूँ। ऑल्दो मैंने इसे रन कर लिया है एंड सक्सेसफुली सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, बट अगेन मैं कर देता हूँ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एज वेल। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।